हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है 2007 वर्जन में यूज कर रहा हूं और हम अपडेट क्वेरी का यूज सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेरीज की हम बात करेंगे, तो क्वेरीज को लेकर के ये अगली वीडियो है। यहां पर क्रिएट पर कर देना है क्लिक, ठीक है। आप चाहे तो इस डेटाबेस को कुछ और भी नाम दे सकते हैं। यहां पर क्वेरी डिजाइन पर आ जाइए, यहां पर डिजाइन व्यू पर आकर के, और यहां इसे कोई नाम आप दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मैं यहां पर कर देता हूं TB1, ओके, एंटर प्रेस किया। यहां पर आईडी आ रही है, यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट आईडी, ओके, और इसे ऑटो नंबर रखता हूं, और यहां पर प्रोडक्ट का नेम आएगा तो यहां रखता हूं प्रोडक्ट नेम, ये रख लिया हमने। और यहां पर फिर आएगा प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट के हिसाब से प्राइस कितनी है वो आएगी यहां पे। तो यहां पे करेंसी डेटा टाइप हमें यूज कर लेना है, तो ये करेंसी डेटा टाइप लगा दिया हमने। और फिर यहां पर यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट यहां पर हम कर देंगे नंबर डेटा टाइप, और इसे क्योंकि हम डेसिमल में भी चीजों को सेल करेंगे, जैसे कि आधा किलो सेल करते हैं तो उसके लिए डेसिमल वैल्यूज हमें एंटर करनी होगी, तो यहां पे इसे डबल बना दिया। और अब यहां पर हमें टोटल करना है, ठीक है। तो यहां पे कर लेता हूं मैं टोटल, ठीक है, टोटल कर लिया। और यहां पर फिर आइए, यहां पर इसे फिर हम डायरेक्टली यहां पे करेंसी कर देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए और ये ऐसे आ जाइए आप, ठीक है। अब इसमें चीजें हम फिल कर लेते हैं जो भी हमें करनी है, ठीक है। तो यहां से इस पे डबल क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक किया, और ये प्रोडक्ट नेम, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया शुगर, ठीक है। और यहां पे प्राइस मान लीजिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये चल रहा है, और 500 किलोग्राम अगर चीनी खरीदी तो टोटल यहां पे वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे चले जाना है। तो ये क्वेरी डिजाइन आपको यहां पे दिखाई पड़ रही होगी, यहां पर आ जाइए, टेबल को ऐड करवा दीजिए। और अब चूंकि हमें सिर्फ टोटल ही कैलकुलेट करना है, यहां टोटल ले लीजिए, और ये यहां पे दिख रही है अपडेट। इस अपडेट क्वेरी पे आपको करना है क्लिक, की अपडेट क्वेरी पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से अपडेट टू करके आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। यहां पर अपडेट टू में आकर के यहां पर हमें क्या करना है, टोटल कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर लिखना होगा प्राइस पर यूनिट, ठीक है, ये लिखा हमने। और यहां पे क्या करना है, प्राइस पर यूनिट इनटू, अब किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो वो चीज तो यहां पर यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद और यहां से रन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे टोटल आपको दिखाई पड़ने लगेगा, तो ये देख सकते हैं यहां पे टोटल आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि इसका टोटल हम